सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि iOS 14 अपडेट के बाद बैटरी की हेल्थ क्या है और बैटरी कैसे चल रही है iPhone 6s में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि iPhone 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं इसको अपडेट कर चुका हूँ और 3 दिन हो गए मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए। और आज ये वीडियो पूरी देखेगा, आप लोगों को सही सही जानकारी दूंगा और एक शॉकिंग रिजल्ट आया है गाइस, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बैटरी के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 56% है और अचानक से मेरे फ़ोन की जो बैटरी कम एकदम से 4 से 5% तक कम हो जाती है। अभी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, अचानक से बैटरी इसकी जो है कम हो जाती है। सो थोड़ा सा ब्राइटनेस और कम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो 56% है, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 दिन से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ गाइस, और अचानक से मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो कम हो जाती है। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी है और सुबह मैंने इसको कितना चार्ज किया था। बैटरी हेल्थ मेरी 88% है मेरे फ़ोन की, और इतनी मैं इसको 85 to 86% तक चार्ज करता हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसको सुबह कब चार्ज किया था। 10:43 पर 95% तक मैंने इसको चार्ज कर लिया था, इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों को सही जानकारी देनी थी कि अगर आप इसको 100% तक चार्ज कर लेते हो उसके बाद इसकी बैटरी किस तरीके से काम करती है। सो यार, अभी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, अचानक से मेरे फ़ोन की जो बैटरी वो डायरेक्ट 5% तक कम हो जाती है। सुबह मैंने थोड़ी देर फेसबुक यूज़ किया था, व्हाट्सएप यूज़ किया है, और अभी तक बात करें तो मैंने इसमें व्हाट्सएप यूज़ किया है और कॉल्स वगैरह की है। सो उस हिसाब से तो बैटरी इसकी जो है ड्रेन होती है, लेकिन यार एकदम से जब 5% तक चली जाती है तो काफ़ी दुख होता है। अभी आप लोग देख रहे हो कि गाइस मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो ऊपर 56% देख सकते हो, और अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा गेम खेलूँगा और गेम एक मिनट के करीबन खेलूँगा, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो 56% अभी दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग सही से देख लेना। और एकदम से 5% तक इसमें कम हो जाती है। ये दो तीन दिनों से इस चीज़ को मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो यार ये मुझे काफ़ी चीज़ ख़राब लगती है। सो चलिए मैं सिर्फ 1 मिनट तक एक गेम खेलता हूँ, और गेम दोस्तों कैजुअल खेलता हूँ, एकदम जो है नॉर्मल गेम होता है, ये पबजी के टाइप के लिए गेम इसके लिए है नहीं गाइस। नॉर्मल और फॉर्मल गेम आप इसमें खेल सकते हो, जैसे मैं अभी इसमें कॉल ब्रेक खेलूँगा, और यूट्यूब भी मैंने इसमें, हाँ यूट्यूब वीडियो भी देखी है, 2-4 वीडियो भी मैंने इसमें देखे, झूठ नहीं बोलूँगा, और वीडियो एडिटिंग की है इस फ़ोन से। उसके बाद इसकी हालत आप लोग देख सकते हो कि कितनी बैटरी इसकी कम हो जाती है। सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ लाइब्रेरी की तरफ, और यहाँ पे मैं खेलता हूँ एक थोड़ी देर के लिए ये कॉल ब्रेक गेम, और ये काफ़ी गेम है। वैसे एक बात बताऊँ आप लोगों को कि आईफोन जो है 6s, इसमें आप इसी टाइप के गेम खेलें तो काफ़ी बेटर है बैटरी के लिए भी, और आपका फ़ोन अगर ज़्यादा हीट करता है तो। देखिए दोस्तों, 5 साल पुराना फ़ोन है ये, तो आप इसमें ये मत करिए कि आप इसमें असफाल्ट डाउनलोड कर रहे हो और फ्री फायर, ये सब बड़े गेम्स मत खेलो यार, और सोचो भी मत कि हम इसमें खेलेंगे, क्योंकि कोई बनता ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं बनती। आधे घंटे नहीं खेल पाओगे आप ये सब गेम, फ़ोन अलग से गर्म होता रहेगा, कभी कभी साला डर लगने लगता है कहीं फटफटा ना जाए। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं इस फ़ोन में। आप नॉर्मल गेम खेलिए, फॉर्मली कैजुअल जो गेम होते हैं, कैरम, लूडो और ये कॉल ब्रेक, कार्ड गेम्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार गेम में, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों अब उनको चाहिए। लेकिन अगर आपको वही सब गेम खेलने हैं हाई लेवल के, तो आप जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ ज़्यादा देखिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आईफोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, आईफोन 6s, मैं सभी आईफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईफोन XR बहुत बढ़िया फ़ोन है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सिर्फ आईफोन 6s के बारे में। सो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक मिनट इसको खेला है मैंने, ठीक है, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ गाइस। और बैटरी अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसकी जो है एकदम से 4% तक कम हो जाती है। सो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगती है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं हूँ लाइब्रेरी में, और चलिए मैं आप लोगों को भी फिर से एक बार ध्यान से दिखा देता हूँ कि इसकी जो बैटरी है वो अचानक से इतनी कम क्यों हो गई है। आप लोग देख सकते हो 51% तक इसकी बैटरी आ गई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी 50% तक बैटरी है इसकी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं गाइस आईफोन में, और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा और वेट कीजिए, मैं थोड़े दिन बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।